अवध के अपराधी एपिसोड 2। आज हम आपके लिए अयोध्या के सियासी गलियारों से उस समय का किस्सा लेकर आए हैं जब अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति अवध की नगरी में सिर उठा रही थी, जब अपने वोट बैंक की खातिर राजीव गांधी ने हिंदुओं की आस्था को कुचला था। 23 अप्रैल 1985, जब राजीव गांधी ने राम मंदिर की आड़ में देश के अल्पसंख्यकों के साथ एक गुप्त समझौता किया था। शाहीन बानो केस से राजीव सरकार में अस्थिरता आ गई थी। तत्कालीन मंत्री का इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण राजीव गांधी बुरी तरह फंस चुके थे। वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद देश भर में रामरथ यात्राएं निकाल रहा था। रामलला के मंदिर की ताला खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। रथ यात्रा में भक्तों का हुजूम उमड़ने लगा था। यह सुनते ही राजीव में और बेचैनी बढ़ गई। 31 अक्टूबर 1985, उडुपी में आयोजित धर्म संसद में फैसला हुआ कि अगर 8 मार्च 1986 तक रामलला के मंदिर का ताला नहीं खोला गया तो 9 मार्च 1986 से ताला खोल आंदोलन ताला तोड़ आंदोलन में बदल जाएगा। यही वो वक्त था जब राजीव गांधी ने बंद दरवाजे के पीछे तुष्टिकरण की राजनीति से भरा फैसला लिया था। राजीव गांधी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता मौलाना अली मियां में समझौता हुआ, जिसका जिक्र पत्रकार हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में किया है। बिसातें बिछा दी गई, राजीव और अली मियां के बीच बात बन गई। यह तय हुआ कि इधर से राम मंदिर का ताला खुलेगा और उधर मुस्लिम महिलाओं को अपंग बना देने वाला बिल पास कराया जाएगा, ताकि ताला खुलने से उठने वाली नाराजगी को शाहीन बानो के केस से दबा दिया जाए। और हुआ भी यही। 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का फैसला आया और ठीक 4 दिन बाद यानी 5 फरवरी को मुस्लिम महिला बिल लाया गया। इतिहास गवाह है, कांग्रेस की सरकार को जब जब संकट नजर आया है उसने हिंदुओं की आस्था से खेलने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन अब यूपी की जनता इन कांग्रेसियों के मकसद और नीयत को समझ चुकी है, अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है।